भिंड शहर के वार्ड 10 से कांग्रेस पार्षद पति की मोहल्ले वालों ने घेर कर जमकर लाठी डंडों से मारपीट कर दी, जिससे पार्षद पति गंभीर रूप से घायल हो गए और उनको बचाने आए उनके भाई भतीजे और भाभी को भी चोटें आईं। देहात थाना पुलिस ने घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। गौरतलब है कि भिंड शहर के वार्ड क्रमांक 10 से कांग्रेस पार्षद ममता शाक्य के पति रामेश शाक्य शाम को 7 बजे वार्ड का भ्रमण कर वापस लौट रहे थे, तभी मोहल्ले के रहने वाले राजवीर बघेल साफ सफाई को लेकर उनसे विवाद करने लगे और गाली देने लगे। जब उन्होंने गाली देने से मना किया तो उनके परिवार के लोग लाठी डंडे लेकर पार्षद पति के ऊपर टूट पड़े और उनको दौड़ा दौड़ा कर जमकर पीटा, जिसका मोहल्ले वालों ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। झगड़े के बाद दोनों पक्ष FIR दर्ज कराने देहात थाने पहुंचे, जहां से देहात थाना प्रभारी ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर उनका इलाज शुरू करवाया। पार्षद पति और उनके भाई की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया। दूसरे पक्ष के भी 4 लोग घायल हुए हैं, वो भी जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं। हालांकि इस घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें पार्षद पति को कुछ लोग लाठियों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। मामला ये है सर कि वार्ड में 5 कर्मचारी हैं और एक साथ हम हर जगह तो झाड़ू नहीं लगवा सकते और ना साफ सफाई करा सकते हैं। तो 2-3 दिन पहले इनने बोला था साफ़ सफाई के लिए, तो हमने जो कह दिया था भैया 1-2 दिन इंतज़ार करो, 1-2 दिन में हम नाली भी करा देंगे और झाड़ू है तो झाड़ू की व्यवस्था हो रही है। और जहाँ तक हमने CEO से मार्क करा के 2 कर्मचारी बढ़ाने के लिए स्वीकृत भी करा लिया आदेश, तो बस आने की देर है। अब वहाँ से हम निकल रहे थे तो जैसे ही निकले तो इनने बोला कि 2-3 बार हम तुमसे बोल चुके हैं पुरिया वाले, तेरे पार्षद तेरे दिमाग बहुत ख़राब है। मैं किसी बात को लेकर एक पुरानी रिपोर्ट हुई थी कि तुमने हमारी रिपोर्ट क्यों की, बीच में इनका राजीनामा भी हो गया था, फिर किसी बात पे आज दोबारा पुनः विवाद हुआ, उस पर से दोनों पक्षों पे आपस में काफ़ी जो है लट्ठम लट्ठा हुई है और उसमें दोनों पार्टियों की तरफ से 3-3, 4-4 लोग घायल हैं, उनको जो है अस्पताल भिजवा दिया मेडिकल के लिए, 1-2 लोग उसमें से रेफर हुआ है ग्वालियर, बाकी दोनों तरफ से क्रॉस कायमी की जा रही है।